हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सीएनसी कैड कम अंजन कुमार। आज हम मास्टर कम एक्स फाइव में देखेंगे फोर्थ एक्सिस का होल कैसे करते हैं, ड्रिलिंग। फोर्थ एक्सिस में ड्रिलिंग कैसे करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन आज हम देखेंगे। एक हमारा ऐसा एक सर्कुलर मॉडल है, इसमें हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करके देखेंगे होल डाल के। ओके, ऐसा ये हमारे को कैसा करना है, मैं शुरू से लेके ये करके दिखाएगा कैसे हमारे को ये जो ऑपरेशन है ये कैसे करना है, मॉडल कैसे करना है और टूल पत्र कैसे क्रिएट करना, एनसी प्रोग्राम कैसे जनरेट करना, वो पूरा करके दिखाएगा। ओके, इसके लिए हम ये जो मास्टर कम एक्स फाइव है इसको हम एक नया ओपन करेंगे। नया में पूरा मॉडल जनरेट करके पूरा टूल पत सब कुछ करेंगे। ओके, हम जाएंगे फाइल में जाके न्यू, सेव चेंज नहीं करने का हमारे को। ये हमारा आ गया ब्लैंक स्क्रीन आ गया, इसमें हम मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले हम ऐसा राइट क्लिक करके राइट व्यू में रखेंगे, राइट क्लिक राइट। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे सर्कल में जाके ओरिजिन सिलेक्ट करके यहाँ से हम करेंगे डाया 100। ओके, यहाँ से ओके। नेक्स्ट हम करेंगे और एक यहाँ से इसका जो थिकनेस रखेंगे 10 mm रखेंगे। एक्सट्रो में जाएंगे ऑफसेट में जाके यहाँ से 10 mm यहाँ से ओके। यह हमारा ऑफसेट हो गया, स्केच हो गया। नेक्स्ट इसको सॉलिड करेंगे। सॉलिड करने के लिए हम जाएंगे सॉलिड में एक्सट्रूड जाने के बाद ये दोनों सर्कल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। एक दोनों सिलेक्ट हो गया यहाँ से ओके। तो करने के बाद ये हमारा टोटल लेंथ देने के यहाँ पे हम रखेंगे 50। हम 100 लेंथ करेंगे 50 और इसमें जो बोथ डायरेक्शन है उसको टिक करेंगे ताकि हमारा दो साइड से यहाँ से 50 वहाँ से 50 टोटल 100 हो। ये हमारा 100 आ गया, ये 100 हो गया। इसको थोड़ा हमारा सॉलिड हो गया, इसमें हम होल क्रिएट करेंगे। ओके, होल क्रिएट करने के लिए इसमें हम राइट क्लिक करके टॉप व्यू में रख देंगे। टॉप व्यू रखने के बाद हम इससे सिंपल क्या करेंगे, ये जो नीचे जो जेड है यहाँ से ये तो 2D रखेंगे, 2D और नीचे जो जेड है यहाँ पे हम रखेंगे 50 mm। एंटर प्लस 50 और अभी हम करेंगे यहाँ से सर्कल एक आर्क ले लेंगे, सर्कल होल यहाँ से डाया 10 रखेंगे, डाया 10 हो गया यहाँ से। ओके, एक हो गया। इसको हम ऐसे 5 करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसको यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्रो में जाके ट्रांसलेट ये जो होल कर दिया ऑल्ट एस करके इसको सॉलिड को हाइड कर दिया, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्शन। हम यहाँ से कितना 20 mm ले लेंगे, 20 mm लेने के बाद यहाँ से 2 दो होल हो गया। नेक्स्ट इसको हम और ये साइड में दो करेंगे। सिंपली इसको मिरर भी कर सकते, एक्सट्रम मिरर ये दो सिलेक्ट किया एंड सिलेक्शन यहाँ से एक्स डायरेक्शन मिरर हो गया, हमारा ये होल जनरेट हो गया। नेक्स्ट हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, कट करेंगे होल को। कट करने के लिए सॉलिड में जाएंगे, सिंपल सॉलिड एक्सट्रूड इसको जो है ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा हमारा सिलेक्ट हो गया यहाँ से ओके। हम देखेंगे उसका जो डायरेक्शन कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं,
हमारा जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, जो तीन है, तीन होल हमारा नीचे का डायरेक्शन में जा रहे हैं और दो होल ऊपर का डायरेक्शन। सिंपल जो ऊपर में गए उसको हम वो सर्कल में जाके और एक बार क्लिक करेंगे और नीचे चला जाएगा। नीचे गया, नेक्स्ट हम रखेंगे कटबड़ी। कटबड़ी में हम रखेंगे यहाँ से, कटबड़ी में हम यहाँ पे 15 रखेंगे और इसे कट कर देंगे। ओके, कट हो गया, यहाँ हमारा 5 होल कट हो गया। नेक्स्ट सेम हम ऐसे ही और 4 पोजीशन में करेंगे 90 90 90। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो मॉडल है इसको हम राइट व्यू में रखेंगे, राइट क्लिक यहाँ से राइट, राइट व्यू में रख दिए और ऑल्ट एस प्रेस करके इसको हम हाइड कर दिया सेलेक्ट को। नेक्स्ट हम करेंगे एक्स फ्रॉम रोटेट करेंगे, रोटेट ये जो होल कर दिया हम इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट एंगल में जाके पूरा होल सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट एंड सिलेक्शन, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे हम, ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ से हम ले लेंगे 90, कितना 3, पहले से एक है और 3 होना 3। ओके, और कॉपी हमारा यहाँ पे 4 दिखा रहे। ओके, 4 हो गया पोजिशन में। नेक्स्ट सेम इसको भी सबको हम एक्सट्रूड कर देंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, एक्सट्रूड सबको सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये भी देखेंगे कौन सा डायरेक्शन में जा रहे, ये तीनों नीचे का जा रहे और दो ऊपर जा रहे, ये दो को सॉरी दो ऊपर, तीन ऊपर है दो नीचे, हमारे वो तीनों को भी नीचे कर दिया कटोरी। सेम सॉलिड एक्सट्रूड इसको एक ही साथ सबको सिलेक्ट कर सकते, लेकिन कन्फ्यूज होता इसलिए हम एक एक लाइन में सिलेक्ट करेंगे एक एक पोजिशन में। ओके, ध्यान में रहे एक ही डायरेक्शन में होना पूरा। ओके, नेक्स्ट सॉलिड एक्सट्रूड ये हमारा मॉडल तैयार हो गया पूरा कंप्लीट, हमारा मॉडल बन के कंप्लीट हो गया। ये जो पहले जो मॉडल बनाया था उसको हम हाइड कर देंगे, वो लाइन को सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट एस, ये दो लाइन सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन ब्लैंक, वो हमारा ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट हम टूल पथ जाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉक सेटअप, यहाँ से स्टॉक सेटअप ले लेंगे, इसको डिफॉल्ट आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे को नया लेने का है, पूरा नया लेना, पूरा डिलीट हो गया। ओके, नया टूल पथ ले लेंगे, हमारा जो एक्स वाई जीरो है वो सेंटर है, जॉब सेंटर है और हम अभी टूल पथ क्रिएट करेंगे। टूल पथ क्रिएट करने के लिए मशीन टाइप सिलेक्ट करना पड़ता, पहले मशीन टाइप में, हम मशीन टाइप में क्लिक करके मिल में लिखा, मिल जाकर डिफॉल्ट नहीं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैनेज लिस्ट में जाएंगे। ये क्या होता है, ये पहले से एक रहता, ये कैसे आना वो भी करेंगे हम, मैनेज लिस्ट में जाएंगे, मेल में क्लिक करके जो आर एम आर के इसमें इसका सीधा में आके मैनेज लिस्ट में जाएंगे। ये हमारा सिलेक्ट करके है पहले, इसको हम रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट शुरू से कैसे सिलेक्ट करते हैं हम देखेंगे। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे फोर्थ एक्सिस MD5 HMC VMC करेंगे, VMC 3 एक्सिस फोर्थ एक्सिस VMC MMD5 इसको हम सिलेक्ट करेंगे।
दोनों है, दोनों में से ऊपर का ले लेंगे हम, फोर्थ एक्सिस पीएमसी एमएम एमएमडी फाइव, इसको हम ले लेंगे। ओके ऐड, इसको सिलेक्ट करके ऐड, ऐड हो गया। नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करके ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे मसल्स बिल में जाके, ये हम, ये जो हमारा पोस्ट प्रोसेस है मशीन टाइप, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा आ गया। ओके मेलिंग, हाँ फोर्थ एक्सेस है, यही है ऊपर वाला नहीं है। मशीन टाइप ये वाला ये क्लिक करेंगे, ये आ गया। ओके फोर्थ एक्सिस बीएमसी, हम फोर्थ एक्सिस करने वाले हैं, इसलिए हम वो पोस्ट प्रोसेस सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वो हम ले लिया। नेक्स्ट हम करेंगे टूल पाथ, टूल पाथ में जाएंगे, टूल पाथ में जाने के बाद टूल पाथ यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको भी मिल जाके इसमें ड्रिल भी ले सकते हैं, ऐसा बिल टूल पाथ ऐसे भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके यहाँ से भी राइट क्लिक करके बिल टूल पाथ, यहाँ से ड्रिल ऐसे भी ले सकते हैं। ओके और एंटिटीज इसमें हम सिलेक्ट करेंगे फोर एंटिटीज को, एक दो तीन चार पाँच, ओके यहाँ से ओके, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, होल सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम टूल सिलेक्ट करेंगे, टेनम होल कर दिया, टेनम हम ड्रिल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डाया 10 हो गया। और फीड हम ले लेंगे यहाँ से 50, स्पिंडल फीड 1000। ओके कट पैरामीटर में यहाँ पे दे देंगे पेग ड्रिल, यहाँ से 0.5 नहीं 2mm, 2mm दे देंगे, 2mm टू। लिंकिंग पैरामीटर में हम इसको हम टिक रखेंगे और यहाँ से 100 दे देंगे, क्योंकि हमारा डाया जो 100 है, 100 का हाफ 50 है, हमारे सेंटर में 0 है, 100 का हाफ 50 है, 50 रखे तो टच होता, इसलिए हम 100 रखेंगे और बाकी पूरा इंक्रीमेंट रखेंगे। यहाँ से रिट्रैक्ट को हम 1mm रखेंगे, यहाँ से टॉप स्टॉक ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ से माइनस में हम रखेंगे 15। ओके पूरा हम इंक्रीमेंटल में रख देंगे, 0.1 पूरा इंक्रीमेंटल में रखेंगे, बाकी एक ही एब्सोल्यूट में रखेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ ज़रूरत नहीं, और इसमें एक ठीक पहले हो गया, रोटरी एक्सिस कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पर रोटरी पोजिशन सिलेक्ट करेंगे, एक्स ए बी रोटरी पोजिशन अबाउट एक्स एक्सिस, इसको टिक रखेंगे, वो डिफॉल्ट भी आ जाता, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हम करेंगे इसको जनरेट, ये हमारा टूल पर आ गया। ओके नेक्स्ट, और एक पोजीशन में हो गया और तीन पोजीशन बाकी है, तीन पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टूल पर है इसको ही हम कॉपी करेंगे। हमारा एक पोजीशन में हो गया, 0 0 जो पोजीशन है ये 0 पोजीशन में, नेक्स्ट हम इसको कॉपी करेंगे, सिंपली इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी, जो रेड रेड आरो दिख रहा है इसमें इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट। ओके पेस्ट करने के बाद इसका ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ से ज्योमेट्री राइट क्लिक री सिलेक्ट ऑन, इसको हम करेंगे यहाँ से एंटिटीज सिलेक्ट। ओके यहाँ से और एक पोजीशन हो गया, सेम और एक पोजीशन में जाएंगे, कॉपी करेंगे इसको, कॉपी इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट,
सेम ज्योमेट्री में जाएंगे, राइट क्लिक, रीसिलेक्ट ऑल, नेक्स्ट हम जाएंगे और एक पोजीशन में एंटिटीज, एंटिटीज सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हम यह हमारा और एक पोजीशन हो गया। नेक्स्ट और एक पोजीशन में जाएंगे, इसको सिंपल कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ से क्लिक करेंगे, पेस्ट, सेम ज्योमेट्री में जाएंगे और एक बार राइट क्लिक, रीसिलेक्ट ऑल, एंटिटीज एक सिलेक्ट कर देंगे, ओके, हाँ से ओके, हाँ से रीजन, ओके, हमारा चार पोजीशन आ गया। ओके, अभी सिंपल इसको एनजी प्रोग्राम जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, पूरा ऑल सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट जी वन में जाएंगे, जी वन में जाने के बाद यहाँ से ओके, अभी हमारा एक लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप सिलेक्ट किया, इसका कुछ भी एक नाम दे देंगे, सिंपल कुछ भी एक नाम दे देंगे जस्ट देखने के लिए, ओके, हमारा टूल पथ आ गया। एक बार इसको ओपन करेंगे, ये हमारा डीडी सिलेक्ट किया, टूल पथ हमारा आ गया ए जीरो में ऐसा जी पेपर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पहले जो पोजीशन है एक्स वाई जीरो और इसमें क्या है जी 54 है, नेक्स्ट सेकंड जो पोजीशन है इसका हम ये जो है जी 55 आया, थर्ड पोजीशन में यहाँ से जी 56 आया, ये जी 55 में दो बराबर है, लेकिन हम इसको एक ही जी 54 में पूरा आने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम इसको डिलीट करेंगे और एक बार टूल पर जनरेट करेंगे, ओके, इसको हम पैरामीटर में जाएंगे, पैरामीटर जाने के बाद यहाँ से प्लेन, प्लेन में यहाँ पे वर्कअप सेट, यहाँ से हम करेंगे जीरो, यहाँ से ओके ओके और रीजनरेटर। सेकंड में जाएंगे पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक जीरो हो गया, थर्ड में जाएंगे पैरामीटर और कुछ ओके रीजनरेटर, फोर्थ में जाएंगे पैरामीटर और कुछ ओके रीजनरेटर, ओके सब कुछ सिलेक्ट हो गया। सेम ऑल सिलेक्ट ऑपरेशन में जाएंगे, जी वन ओके, लोकेशन हमारा डेस्कटॉप है और हमारा एक नाम कुछ भी एक एक्स 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 दिया, कमर जी कुछ भी रख सकते हैं। हमारा अभी एनसी प्रोग्राम जनरेट हो गया, तो ओपन करके देखेंगे कैसे आया। ये हमारा जी 54 स्टार्टिंग में आया, सेकंड कुछ भी नहीं है, थर्ड जो है हमारा यहाँ से कुछ भी नहीं है बराबर एक ही हमारे जी 54 में पूरा आया, ओके, ये हमारा फोर्थ एक्सिस का पूरा टूल पर जनरेट हो गया। फर्स्ट ए जीरो, सेकंड ए 90, ए माइनस 90 आया, 90 माइनस 90 प्रॉब्लम है, और थर्ड ए माइनस 90, ए 180, फोर्थ
माइनस 270, माइनस 270, ओके। यह हमारा फोर्थ एक्सिस का ड्रिलिंग टूल पर हम कर दिया यहाँ पे। अब एक बार कोशिश करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मैं कभी वीडियो डाले तो आप लोग को नोटिफिकेशन आए। क्योंकि मैं ऐसा जो अष्टकम और पावर मिल और सीएनसी मिलिंग का 2D जो मशीन टूल पर वो भी डालते रहता हूँ ऐसे वीडियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ये आप लोग को ये मैं जो कभी भी वीडियो डालता हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन आए, कुछ भी अगर सीखने का इंटरेस्ट है तो इसमें से सीख सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड, थैंक यू।